तो अपन लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन से रूट फाइंड आउट करने के बारे में पढ़ लिया था अपन लोगों ने। तो इसमें देखिए क्वेश्चन, अपन कह रहे हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ, रूट से या फिर जीरोस भी बोल सकता है, ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बेटा? तो देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने अपने को अच्छे से पता है कि पी प्लस टू जो है वो तो इक्वल हो जाना चाहिए किसके, बी के इक्वल हो जाना चाहिए, एंड पी क्यू इक्वल हो जाना चाहिए किसके, ए सी के। इसका मतलब यहां पे पी प्लस टू जो है ये कितना गिवन है अपने पास, दैट इज -5, एंड PQ अपने पास कितना हो जाना चाहिए, P into Q, ये कितना दे रखा है अपने पास, AC 3 into 2, that is 6। तो 6 के अगर मैं फैक्टर्स करना चाहूं तो एक तो जाएगा 1 और 5, 2 और 3, क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखिए भैया, अपन देखेंगे कि 1 और 5 का समय डिफरेंस जो है -5 होगा क्या? बिल्कुल नहीं। 2 और 3, बिल्कुल, अगर 2 भी माइनस का हो जाए और 3 भी माइनस का हो जाए, -2 - 3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? यस सर। और दोनों ही अगर नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 into 3 दैट इज 6 प्लस का हो जाएगा। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2x² - 5x को, -5x को लिख सकता हूं मैं -2x and -3x, और ये हो गया +3 = 0। याद है, क्लियर हुआ क्या सबको अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, तो 2x यहां से कॉमन आया तो यहां पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x माइनस, यहां से 2x कंप्लीटली कॉमन आ गया तो 1 रिमेनिंग रह जाएगा। सिमिलर यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास, -3 अगर कॉमन लिया तो यहां पे -3 कॉमन आ चुका है तो प्लस का x रह जाएगा, यहां से -3 कॉमन आया तो यहां पे क्या रिमेनिंग रह जाएगा, -1 = 0। यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ बेटा? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यस सर। ओके, आप देखिए यहाँ पे ये दो टर्म्स आ गए अपने पास, एक टर्म ये रहा और दूसरा टर्म ये है। इस टर्म में फिर से कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, x - 1, फिर से कॉमन आया तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया बेटा, दैट इज 2x, और यहाँ पे रिमेनिंग रह गया -3 = 0। अब ये दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कह रहा है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, या तो x - 1 का वैल्यू 0 हो जाए तो 0 * ये 0 हो जाएगा, या फिर 2x - 3 का वैल्यू 0 हो जाए तो 0 * x - 1 0 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? यहाँ पे अपन लिख देंगे कि x - 1 का वैल्यू 0 हो जाए
और या फिर 2x माइनस 3 का वैल्यू 0 हो जाए, तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, या तो x का वैल्यू 1 हो जाए, तो x का वैल्यू 1 होगा तो ये 0 बन जाएगा, फिर 0 * 0 0 हो जाएगा, ओके। और या फिर यहां से x का वैल्यू कितना आ जाए, 3/2 आ जाए, x का वैल्यू अगर 3/2 होगा तो 2x - 3 का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 * x - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से रूट्स अपने पास क्या है, x = 1 and x = 3/2, इज दैट क्लियर? यस सर। बड़े आगे बेटा। यस सर। हटा दें, हो गया नोट डाउन? यस सर, हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए भी। Next question is find the roots of the equation 2x square plus x minus 6 is equals to 0. X equals to 2 and 3/2. Sir, minus 2 or plus 3/2. Okay, note down, beta. Sir, minus 2 or plus 3/2. माइनस टू और प्लस थ्री बाई टू, चलिए देख लेते हैं भाई। ओके, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू किसके इक्वल हो जाना चाहिए भाई? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1। ओके, पी इंटू क्यू कितना हो जाना चाहिए, 2 × -6, दैट इज माइनस ऑफ कर, क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस। ओके, तो यहां से देखिए भाई, एक तो हो सकता है 1 और 12, ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है यहां से, 6 और 2, या फिर 2 से शुरू करते, 2 और 6 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है तो बताइए भाई। ओके, 1 और 12 का सम या डिफरेंस जो है वो 1 आ सकता है क्या, 1 और 12 का सम या डिफरेंस? सम तो आएगा 13 और डिफरेंस करोगे तो आएगा 11, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। 2 और 6 की अगर अपन बात करें, सम आएगा 8 और डिफरेंस आ जाएगा 4, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने को तो 1 चाहिए। 3 और 4, सम तो आ जाएगा 7 और डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1, क्लियर है वाली बात बेटा जी? इसका मतलब ये वाला पॉसिबल हो रहा है। अरे आया क्या समझ में? यस सर। यस। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पे प्लस का चाहिए अपने को 1, तो 4 को क्या लिखेंगे, प्लस का, और 3 को लिखेंगे माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का 4x एंड माइनस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 6 = 0। अब देखिए फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, दैट इज 2x, ये हो जाएगा x प्लस यहां से 4x में से 2x कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 रिमेनिंग रह जाएगा बेटा। यस यस। ओके, नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले, तो यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा x, और यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया, माइनस 3 कॉमन आ गया, प्लस का 2 रिमेनिंग रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म है, इन दो टर्म में फिर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, दैट इज x प्लस 2, रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आइदर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो लिख दीजिए यहां पे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू 3/2, these are the roots of this equation. Clear हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes sir. Okay,
बता दे बेटा ये। यस सर। ओके उसके बाद लिखे नेक्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द इक्वेशन रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल्स टू जीरो। सर x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट टू और माइनस ऑफ फाइव अपॉन रूट टू। क्या है बेटा? ओके माइनस रूट टू। क्या क्या आया सर? माइनस रूट टू और माइनस फाइव अपॉन रूट टू। ओके चलिए देख लेते हैं अभी। We have to find P and Q such that the value of P plus Q is 7 and also P into Q is the product of A and C. Root 2 into 5 root 2 that is equals to 10. Root 2 into root 2 that is 2 and 2 into 5 is 10. Clear beta yahan tak sab kuch acche se? Yes. Okay. Dekh lete hain iske factors. फैक्टर्स क्या होने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एंड 10, सेकंड इज 2 एंड 5। इसके अलावा और कोई फैक्टर पॉसिबल है तो बताइए बेटा। ओके 1 एंड 10 का सम और डिफरेंस इक्वल टू 7 आएगा क्या? नहीं आएगा। ये कैंसिल होगा। 2 और 5 का सम या डिफरेंस जो है वो 7 के इक्वल आएगा क्या बेटा? डिफरेंस हो रहा है 3 और सम हो रहा है 7, इक्वल टू 7 आ रहा है बेटा। That means ये वाले फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं। चलिए भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस सेवन एक्स चाहिए तो टू भी प्लस का होगा, सेवन फाइव भी प्लस, तो जाएगा प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? नाउ फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आने वाला बेटा? अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है टू और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट टू, तो टू को मैं क्या लिख सकता हूँ? टू कैन बी रिटन एज रूट टू इंटू रूट टू। ओके तो यहाँ पे रूट टू कॉमन ले सकते हैं बेटा अपन। यस नो? यस। ओके तो यहाँ पे एक तो रूट टू कॉमन आ जाएगा, सिमिलर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है तो एक्स भी तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहेगा? रूट टू एंड एक्स कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा? एक्स ओनली। ओके नेक्स्ट प्लस टू में से रूट टू कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रहेगा? रूट टू और एक्स कॉमन आ चुका है अपना, तो एक्स प्लस रूट टू रिमेनिंग रह जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ पर? यस यस सर। नाउ नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आने वाला है? प्लस फाइव, तो रिमेनिंग रह जाएगा एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। फर्दर क्या कॉमन आएगा? एक्स प्लस रूट टू कॉमन आया बेटा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? रूट टू एक्स एंड प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। आइदर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और root 2x plus 5 is equals to 0. So the value of x is minus of root 2 and x is equals to minus of 5 by root 2. These are the roots of this given equation. Okay? Clear beta? Yes, sir. Okay. बढ़े आगे बेटा।
Yes. Okay, next. Sir, done. Done? Excuse me, sir. Yes, Meena. Sir, class 7:30 start, you know. 7:20, Meena. Okay, sir. Okay. Sir, आपने रूट से पहले और कुछ करवाया था क्या? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं करवाया बेटा. Okay, sir. Okay. Okay. चलिए भी लिखे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास. लिखे फाइंड टू नंबर्स. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 180. तो अपने यहां पे क्या बोलेंगे? Let the numbers are 2. यहां तक क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से? यस सर. तो द इक्वेशन 1 y का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहां से y का वैल्यू क्या आने वाला है? दैट इज 27 माइनस x पुट इन द इक्वेशन नंबर. इसको अपन क्या करने वाले हैं? पुट इन द इक्वेशन नंबर 2. तो ये क्या हो जाएगा? x into y का वैल्यू कितना भाई? 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 182. इज दैट क्लियर? 27x minus of x square is equals to 182. The equation बन गया x square minus 27x and plus 182 is equals to 0. Is that clear? Yes, sir. Clear हुआ बेटा अच्छे से? Yes, sir. Okay. Now factorize कर दो इसको. Factorize करके बताइए किसके factors क्या आने वाले हैं बेटा? सर 13 और 14. क्या बेटा? 13 और 14. 13 और 14. यस सर. ओके तो ये हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस ऑफ 13x माइनस ऑफ 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? x माइनस 13 माइनस सेकंड दो टर्म में से 14 अगर कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0. फिर से कॉमन क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे? x माइनस 13 और रिमेनिंग क्या रह जाएगा? यहाँ पे x रिमेनिंग रह जाएगा और इस वाले टर्म में माइनस का 14 रिमेनिंग रह जाएगा.
is equals to 0. So the value of x is 13 and 14. X का value 13 हो गया, तो y का value obviously क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा. So the value of x is 13 and y is 14. या फिर ऐसा बोलें, x का value अगर 14 है, तो y का value 13 हो जाएगा. Clear हुआ बेटा ये अच्छे से? Yes. Yes sir. Okay, जल्दी से नोट डाउन कीजिए भाई. Sir, done. Okay. उसके बाद हेडिंग डालिए सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड. परफेक्ट स्क्वायर मेथड या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है ना. Okay, not done, beta? Yes, sir. Chaliye. तो देखिए भाई स्क्वायर मेथड की अगर अपन बात करें तो अपने पास में लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0. a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये तुम्हें बताया भी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू 0 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ठीक है ना. अब अपने को क्या करना है, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो एक तो ये था कि अपन इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें एंड देन अपन इसको क्या कर दें, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें. फर्स्ट फंडामेंटल अपन ने ये वाला देखा और इसको सॉल्व करने का, और यहाँ पे मतलब जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किया था तो अपन ने यहाँ से वैल्यू क्या फाइंड आउट किया था, x की वैल्यूज फाइंड आउट, ठीक है ना. ये अपने पास में एक्सप्रेशन गिवन है, अपन ये देखना चाह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इक्वल टू 0 कब होगा. इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 कब होगा, मतलब मैं यहाँ पे x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करता जाऊंगा. जैसे कि इससे पहले जो भी अपन ने एग्जांपल्स किए उसमें ये जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ कांस्टेंट था, एनी कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट था एंड कांस्टेंट टर्म आल्सो अ कांस्टेंट. ओके, तो यहां पर मैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलती जाएंगी, इस एक्सप्रेशन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती है. अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं मैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू इक्वल टू 0 किस x के लिए होगा, वही तो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा. क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर. अब देखिए भाई यहां से अपन कहना चाह रहे हैं कि इसका वैल्यू इक्वल टू 0 कब होगा, अगर ये बात अपन बता देंगे तो वही तो उस बात का सॉल्यूशन हुआ. सेज ऑन यस सर. इसका मतलब बेसिकली यहां से अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो पहला तो अपन ने ये देखा कि इसको x के दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट डाउन कर दो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके,
तो जैसे ही दो लीनियर के प्रोडक्ट को इक्वल टू जीरो की फॉर्म में राइट डाउन करूंगा तो या तो दोनों में से कोई सा भी एक फैक्टर इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो वहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा ऑब्वियसली। दूसरा मेथड जो है वो अपना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड जिसको अपन बोलेंगे, वो अपन कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन बनाएंगे, यूनिटी बनाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से कॉमन क्या आएगा बेटा, या तो मैं इस कंप्लीट को क्या कर दू, कंप्लीट को डिवाइड कर दू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। क्लियर? यस। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके, तो या तो ए से डिवाइड कर दो या फिर ये कहेगी एक कॉमन ले लो, बोथ साइड ए से डिवाइड कर दोगे तो ये इक्वेशन क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो अपॉन ए क्या हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा बेटा। यहां तक क्लियर हुआ क्या अच्छे से? यस सर। ओके, नेक्स्ट अपन बोलेंगे एड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसी इक्वेशन में। क्लियर है बेटा जी वाली बात अच्छे से? तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए टाइम्स एक्स, और इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बी बाय ए, बी बाय ए का हाफ डिवाइड बाय टू करोगे तो हो जाएगा बी बाय टू ए, b by 2a का स्क्वायर करना है अपने को एड और करना है सब्ट्रैक्ट। तो इसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट आया क्या, ये जो एड किया तो वही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू अभी भी क्या है, ये इक्वेशन की एक्सप्रेशन अभी भी सेम ही है। इज दैट क्लियर? यस। प्लस ये हो जाएगा अपने पास c by a is equals to 0। यहां तक क्लियर हुआ सबको अच्छे से बेटा? एनी डाउट? नो सर। ओके, ये क्या बन गया बेटा, यहां से यहां तक ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया भाई। किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये, प्लस बी बाय टू ए, प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा जी यहां तक सबको अच्छे से? यस। ओके, ये जो दोनों टर्म है इनको इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर दिया तो ये नेगेटिव टर्म है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका स्क्वायर भी ओपन कर ही देते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू ए का स्क्वायर हो जाएगा फोर ए स्क्वायर। ये प्लस का टर्म है नेगेटिव हो जाएगा इक्वल टू को तो जाएगा तो ये हो जाएगा सी बाय ए। क्या तक क्लियर हुआ क्या सबको अच्छे से? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो, यहाँ तक फटाफट नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। सर डन हो गया बेटा यहाँ तक? यस सर। ओके चलिए भी, उसके बाद नेक्स्ट अपन ये देखेंगे कि इसका एलसीएम लेकर के देखिए जरा ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम देखिए क्या आएगा, फोर ए स्क्वायर और ए तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर एलसीएम आया तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, ए से जब इसको डिवाइड करोगे फोर ए, फोर ए मल्टीप्लाइड बाय सी दैट इज फोर ए सी। इज दैट क्लियर? ओके, यहां से एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर जो है ये इक्वल आ गया अपने पास बी स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए सी इज डिवाइडेड बाय टू ए। यहां तक क्लियर? सॉरी फोर ए स्क्वायर है ना, यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से बेटा? इधर ये स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा, बी अपॉन टू ए इक्वल टू प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac is divided by 4a square. Is that clear? Okay. तो हो जाएगा x plus b upon 2a is equals to 4a square का square root कितना हो जाएगा 2a, फिर आ जाएगा plus minus the square root of b square minus 4ac is divided by ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा बेटा, ये square root से बाहर आ जाएगा। अब ये जो b upon 2a इसको equal to इधर shift कर दो, x का value कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टू ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम यहाँ पे क्या आने वाला है, 2a एलसीएम आने वाला है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इज डिवाइडेड बाय 2, ये एक्स की दो वैल्यू सर। क्लियर हो अबे बेटा ये अच्छे से? यस जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा सर डन डन सर डन और ये अपना है भाई, ये जो मेथड है ये कंप्लीट मेथड सॉल्व करना, ये तो हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको, है ना। तो इसको अलग से मेंशन करके लिख देना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य मेथड भी बोलते हैं या फिर जिसको अपन क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके हो गया बेटा ये? यस यस सर। ओके चलिए भी तो फटाफट से क्वेश्चन कर डालिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। फटाफट से फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखे भी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन को, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय 2 टाइम्स एक्स प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0, ये करने वाले हैं बेटा अपन। ओके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा प्रियांशी? सर 1 यस। नेक्स्ट स्टेप क्या करें? एक्स स्क्वायर को 1 ही तो लिखना। यस क्या आएगा बेटा प्रियांशी? चलिए भी तो अपन क्या करने वाले हैं, एक्स के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करने वाले हैं और सबट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 बाय 2 टाइम्स एक्स, इसका हाफ 7 बाय 2 का हाफ कितना हो जाएगा 7 बाय 4 का स्क्वायर अपन ने ऐड कर दिया और इसका स्क्वायर अपन ने क्या कर दिया सबट्रैक्ट कर दिया और प्लस हो जाएगा 3 बाय 2 इज इक्वल टू 0। ओके ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो एक्स माइनस का बनेगा, ये 7 बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर देंगे हो जाएगा कितना 49 बाय 4 का स्क्वायर 60 माइनस हो जाएगा 3 बाय 2। ओके तो हो जाएगा x माइनस 7 बाय 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम आ गया यहां पे 16 और ये हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा कितना 24 तो हो जाएगा x माइनस 7 बाय 4 का होल स्क्वायर
इक्वल हो जाएगा किसके 25 अपॉन ये हो जाएगा कितना 16 स्क्वायर रूट लगा दीजिए क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू सॉरी x माइनस 7 बाय 4 इज इक्वल्स टू द प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 अपॉन 16 हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 बाय 4 इक्वल टू कितना जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय 4 सो द वैल्यू ऑफ x इज 12 by 4 that is 3 and 2 by 4 that is 1 by 2. आया अच्छे समझ में बेटा सबको? Yes sir. Okay, जल्दी से note down कर लीजिए बाकी की कहानी देखेंगे next class. Okay? Okay sir. ये homework रहेगा तुम्हारा. क्लियर है बेटा अरे आया क्या समझ में यस सर ओके सर डन ओके नोट डन बेटा